हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बताने आए हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकली है वो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी पे आज हम बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी AAI रिक्रूटमेंट 2023 जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव 342 पोस्ट के लिए आपके नोटिफिकेशन और रिलीज किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके रिक्रूटमेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, पर फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। इसमें आपकी जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI है। पोस्ट नेम आपके वेरियस पोस्ट हैं। यहाँ पे आपकी जो एडवर्टाइज नंबर है वो आपकी 03/2023 है। वैकेंसी आपकी 342 पोस्ट है। सैलरी पे स्केल है वो आपकी वेरियस पोस्ट वाइज है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की आपकी 4 सितंबर 2023 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पे AAI रिक्रूटमेंट 2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी AAI.AERO है। यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे जनरल की, OBC और EWS की 1000 रुपए है। SC ST PWD फीमेल AAI अप्रेंटिस की आपकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो इवेंट है और डेट है तो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है वो आपकी 21 जुलाई 2023 है। स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 5 अगस्त 2023 है। और यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो आपकी 4 सितंबर 2023 है। और आपकी एग्जाम डेट अभी आना बाकी है। फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे पोस्ट डिटेल, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट की आपकी 30 ईयर है। और आपकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है वो आपकी 27 ईयर है। और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी 4/9/2023 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट नेम है, वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की आपकी 9 पोस्ट हैं। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आपने की होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की आपकी 9 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट प्लस में आपकी 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की आपकी 237 पोस्ट है। ग्रेजुएट आपने किया होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपकी 66 पोस्ट है। BCOM प्लस में ICWA/CA/MBA इन फाइनेंस में आपने किया होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में आपकी 3 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपके BTech इन रिलेटेड फील्ड में आपने किया होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में आपकी 18 पोस्ट है। एंड आपने यहाँ पे लो ग्रेजुएट LLB आपने किया होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट आपका इफ रिक्वायर्ड फॉर ए पोस्ट के लिए होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट AAI रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही इसके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे उसके भी वीडियो हम आपको बना के प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।